एटीके के अगेंस्ट बहुत ही बुरी तरीके से हार के बाद क्या हैदराबाद एफसी कमबैक कर पाएगा जमशेदपुर एफसी के होम ग्राउंड पर। चलिए बात कर लेते हैं जमशेदपुर एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी मैच के बारे में, हम इस मैच के प्रीव्यू करेंगे। तो आईएसएल सीजन 6 मैच नंबर 10 जमशेदपुर एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी मैच होगा जमशेदपुर के होम ग्राउंड जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इस मैच को टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और ऑनलाइन हॉटस्टार जी टीवी पर देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों टीमों का कुछ भी हेड टू हेड मामला नहीं है। तो डायरेक्ट हम दोनों टीमों का लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं होम टीम जमशेदपुर एफसी के बारे में। तो जमशेदपुर एफसी का लास्ट मैच होता है दोस्तों अपने ही होम ग्राउंड पर ओडिशा एफसी के खिलाफ, और इस मैच पे दोस्तों 35 मिनट के अंदर अंदर एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला था जिसका नाम है दोस्तों विकास जायरू, जिसके चलते उनको बाकी 60 मिनट 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी उन्होंने मैच पे जीत हासिल किया 2 गोल लगाकर। दूसरी तरफ ओडिशा एफसी ने सिर्फ 1 गोल लगा पाया था, और पूरे मैच में दोस्तों ऐसा नहीं लगा कि इनके पास 10 खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों पीटी फारूक चौधरी और सर्जी कास्टल का जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए हैं जमशेदपुर एफसी, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस मैच पे भी डोमिनेट कर सकता है अपने होम ग्राउंड पर हैदराबाद एफसी। जिस तरह से हारा था एटीके के विरुद्ध, थोड़ा बहुत उनका डिफेंस कमजोर लग रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा गोल आने के फिर से चांस है और बिग अपॉर्चुनिटी है जमशेदपुर एफसी के लिए 2-2 लगातार जीत हासिल करने का। तो चलिए अब देखा जाएगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाएगा जमशेदपुर एफसी इस मैच पे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हैदराबाद एफसी की बात किया जाए तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा काम देखना पड़ेगा अब डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस इनका बहुत ही कमजोर है। 5 गोल कंसीडर किया था एटीके के विरुद्ध, तो डिफेंस इनको सॉलिड करना पड़ेगा इस मैच पे भी, क्योंकि दोस्तों जमशेदपुर एफसी का भी अटैक बहुत ही खतरनाक है। तो इनको डिफेंसिव माइंडेड खेलना पड़ेगा इस मैच पे और काउंटर अटैक पर जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इनके लिए बहुत ही बड़ा जो दिक्कत का बात है वो दोस्तों इनका इंजरी कंसर्न। बहुत सारा खिलाड़ी इंजर्ड हो चुका है, जैसा कि दोस्तों राफेल गोम्ज लास्ट मैच पे इंजर्ड हुआ था, उसके बाद दोस्तों गिलेस बार्नेस ये भी इंजर्ड हो गया था। तो दोस्तों इनका अटैक में तो प्रॉब्लम होगा, साथ साथ दोस्तों इनके डिफेंस में भी प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है हमें। और मुझे लग रहा है कि दोस्तों इस मैच पे अगर आदिल खान को सेंटर बैक पर खिलाया जाए तो दोस्तों बहुत ही बेहतर रहेगा, इनका डिफेंस और भी मजबूत लगेगा। साथ साथ दोस्तों मार्सेलिनो को इस मैच पे चलना पड़ेगा, लास्ट मैच पे उतना ज़्यादा नहीं चलने दिया था एटीके के डिफेंस, लेकिन दोस्तों इस मैच पे मार्सेलिनो को चलना ही पड़ेगा। मार्सेलिनो अगर परफॉर्मेंस कर देता है तो शायद कुछ बात बनेगा हैदराबाद एफसी का। और दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि मार्सेलिनो जब एफसी पुणे सिटी में था तब जमशेदपुर एफसी के खिलाफ 4 बार जीत हासिल किया था एफसी पुणे सिटी, जो कि दोस्तों मार्सेलिनो एक बहुत ही अब वाइटल पॉइंट होने वाला है हैदराबाद एफसी के लिए इस मैच पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या उनका फॉर्च्यून चेंज हो पाता है जमशेदपुर एफसी के खिलाफ या नहीं हो पाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के अब प्लेइंग 11 के बारे में, क्या हो सकता है इन दोनों टीमों का प्लेइंग 11 इस मैच पे। तो अगर जमशेदपुर एफसी की बात किया जाए तो दोस्तों इनका फॉर्मेशन लास्ट मैच पे 3-5-2 था, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी अटैकिंग माइंडेड खेलेगा। तो गोलकीपिंग में फास्ट चॉइस रहेगा दोस्तों सुब्रत पाल, राइट बैक पर रहेगा जॉइनर, सेंटर बैक पर रहेगा दोस्तों तीरी और लेफ्ट बैक पर दोस्तों कीगन पेरेरा। साथ साथ दोस्तों राइट मिडफील्ड पर रहेगा अंकित यादव, लेफ्ट मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों रॉबिन गुरांग, सेंटर मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों नियो कोस्टा के साथ मिमो, और सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों पीटी, और दोस्तों आफ्रोन में अटैक करने के लिए मौजूद रहेगा फारूक के साथ कस्टेल। उसके बाद अगर हैदराबाद एफसी की बात किया जाए तो दोस्तों हैदराबाद एफसी को इस मैच पे डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। उनका भी फॉर्मेशन लास्ट मैच पे 3-5-2 था लेकिन दोस्तों नहीं चला था, तो मुझे लग रहा है कि इस मैच पे 4-2-3-1 अगर खेलता है तो थोड़ा बहुत डिफेंस में मदद मिल सकता है। तो गोलकीपिंग में फास्ट चॉइस रहेगा दोस्तों कमलजीत, उसके बाद राइट बैक पर रहेगा साहिल पनवार, सेंटर बैक पर किलगालन के साथ दोस्तों आदिल खान को मैं डालूंगा, और लेफ्ट बैक पर रहेगा दोस्तों गुरतेज, सेंटर डिफेंस मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों चैनकोविच के साथ आशीष राय, और सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों मार्सेलिनो, राइट विंग पर रहेगा अभिषेक हल्दा, लेफ्ट विंग पर निखिल पुजारी। इनके पास ऑप्शन नहीं है, हालांकि निखिल पुजारी का इंजरी कंसर्न है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मैच पे, और स्ट्राइकर के पोजीशन पड़ेगा दोस्तों रॉबिन सिंह। तो ये रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं विनिंग चांसेस के बारे में। तो दोस्तों इस मैच पे मैं जाऊंगा जमशेदपुर एफसी के साथ, जमशेदपुर एफसी का जीतने का चांस रहेगा दोस्तों 65% और हैदराबाद एफसी का जीतने का चांस रहेगा दोस्तों 35%। मैच में कुछ भी हो सकता है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 के बारे में, साथ साथ विनिंग चांसेस के बारे में, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।